जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं लेके आ गया हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी जो एम्पेयर कंपनी की है और देखने में आपको बिल्कुल एक्टिवा की तरह लगेगी, लेकिन ये एक्टिवा एक्चुअली है नहीं, ये सिर्फ देखने में एक्टिवा लगती है। ये एम्पेयर कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के मामले में इस कंपनी का नंबर आता है 4 नंबर पे एम्पेयर की। इससे पहले आपको बहुत सारी कंपनियाँ आती है, जैसे ओला के भी बाइक्स आते हैं और भी बहुत सारे बाइक्स हैं जो काफ़ी हाई रेंज में चले जाते हैं। और इलेक्ट्रिक स्कूटी पे ट्रांसफ़र होने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि लोगों के पैसे बचने चाहिए, तो मेन फोकस ये होता है। लेकिन जो भी कंपनियाँ हैं, ओला की ई स्कूटी है, आपको हीरो की आई हुई है, आपको एदर की गाड़ी है, लेकिन सभी गाड़ियों का जो रेंज है 130,000 से सभी गाड़ियों का रेंज आता है इससे ऊपर। तो लोगों का जो फोकस होता है कि फ्यूल बचाना, पैसे बचाना, तो वो चीज़ वहाँ फिट नहीं हो पाती, वो चीज़ फिट होता है इस कंपनी की गाड़ी में। एम्पेयर की गाड़ी है, इसका बेसिक प्राइस जो आता है वो 81,000 से शुरू होता है और ऑन रोड प्राइस 91,000 रुपीज़ पड़ता है। जो आपको ये गाड़ी सीतामढ़ी से मैं लिया था गाड़ी को, तो 91,000 रुपीज़ गाड़ी का पड़ा था। और जैसे ही आप एदर की गाड़ी लोगे, आप ओला की गाड़ी लोगे, तो कुछ फ़ायदे उसमें है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, पैसे आपके ज़्यादा जाते हैं, किलोमीटर्स आपके उतने ही आते हैं। तो चलिए पहले इसकी दिखाता हूँ कुछ खूबियाँ और कुछ खराबियाँ कि इसके अंदर क्या है और कैसा है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे क्रोम का फिनिश दिया गया है जो काफ़ी स्टाइलिश लगता है, आपको एक्टिवा की तरह लगता है और मैस्टर वगैरह जो भी गाड़ियाँ आती है हीरो की। उसके बाद यहाँ से स्लीकी दिया है और ये आगे ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, ये अंदर की तरफ है। और ये लुक जो दिखता है ये काफ़ी शानदार दिखता है बाहर से। यहाँ पर आपको DRL दिखते हैं, गवर्नमेंट रूल्स को गाइडलाइन करते हुए यहाँ पे DRL दे दिया गया है जो काफ़ी गाड़ी को काफ़ी इनहेंस करते हैं। उसके बाद आप आगे फ्रंट में आते हो तो यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है दोनों तरफ और यहाँ पे क्रोम फिनिश दे दिया गया है जो गाड़ी की लुक लाइट काफ़ी बढ़ा देते हैं। यहाँ तक इस मिरर की बात करेंगे तो आगे से देखने पे भी मिरर की का जो डिजाइनिंग दिया गया, खूबसूरती दी गई है, वो काफ़ी कमाल की दी गई है। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं तो ब्रेक के पास चलते हैं तो ड्रम ब्रेक यहाँ पर दिया गया है। ये स्कूटी टाइप का ही ये टायर है और ड्रम ब्रेक है, ये ट्यूबलेस टायर है ये, और डबल ये है, डबल डुअल ब्रेक सिस्टम है इसमें और काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग करता है ये। ये इसका जो यहाँ पे पैनल दिया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का आपको लोगो मिल जाएगा यहाँ पे, जो आपको ये शो करता है कि गाड़ी इलेक्ट्रिक है, बाकी कहीं से देखने पर आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी इलेक्ट्रिक है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं तो ब्रेकिंग का एक स्पेशल ऑप्शन दिया है कि जब ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो पता चलता है कि जब स्टार्ट होने के बाद ही पता नहीं चलता, तो उस स्थिति में अगर कोई बच्चा इसमें बैठ जाता है और कहीं इसको घुमा दिया तो क्या होगा। तो इसीलिए कंपनी ने इस चीज़ को एक बड़ा अच्छा सिस्टम दिया है कि इसको आप यहाँ पे लॉक करें, इसको लॉक कर देंगे, अब ये करने पर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी सेफ्टी वाली बात एम्पेयर की तरफ से इसके लिए गुड है। और बाकी यहाँ पे अब आगे से दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले, किसका डिस्प्ले मीटर कैसा है और कैसा क्या दिखा रहा है ये आगे। ये आपको हो गया ऑडोमीटर है, यहाँ पर ऑडोमीटर है, यहाँ पे आपको बैटरी का L दिख रहा होगा, यहाँ पे लो और ये H हाई, हाई के बीच में एक पॉइंट कम है यहाँ पे बैटरी अभी। तो कहने का मकसद है कि इसमें एदर की तरह और भी एक्सेट्रा जो कंपनीज वगैरह जो बहुत सारे प्राइस लेकर आपको बैटरी के नाम पे आपको जो चीज़ देते हैं, यहाँ पे इस कंपनी ने ये करा है कि इसको बड़ा सिंपल रखा है, यहाँ पे लोगों को समझने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर गियर है, 0 है, यहाँ बैटरी का लेबल है, यहाँ परसेंटेज है 59.4, तो ये बड़ा आसान हो जाता है लोगों को समझने के लिए। इसमें ज़्यादा इसको टच करो उसको टच करो वो वाली प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे, ये दिया गया है हॉर्न का दिया गया है जो आवाज़ थोड़ा सा कम है, बाकी ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल स्कूटर की तरह इंडिकेटर के स्विच वगैरह हैं, यहाँ पे लेफ्ट राइट
सब कुछ है। दूसरी चीज है यहाँ पे आप एक रेडी का एक बटन दिख रहा होगा, इसको ऑफ करता हूँ तो ये बटन कट जाता है लाइट, जैसे ऑन करूंगा यहाँ पे देखिए रेडी का बटन ऑन नहीं है। तो यहाँ पे सारे मीटर्स चालू हैं, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मार्क आता है तो इसका मतलब है गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे आप लाइट देखोगे, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ पे लाइट जलता है, और यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, बट जैसे ही इसको मैं मूव करूंगा स्टैंड से उतारूंगा तो ये गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बैक गियर के लिए, बैक रिवर्स के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, जिसकी सुविधा ये है कि आप इसको दबा के प्रेस करके रखोगे और आप ये करोगे एक्सेलेरेटर लोगे तो गाड़ी बैक होगी, और इसको छोड़ दोगे तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको हेडलाइट का डिम डिपर है, यहाँ पे हेडलाइट का ऑन ऑफ भी है, यहाँ पे ऑन है और ये ऑफ है, इस तरह के जो है यहाँ पे सिम्टम तो ये दिखा रहा है ये ऑफ है। बाद बाकी ये हाई लो है, एक नंबर दो नंबर लो का मतलब एक नंबर गियर, इसमें 30 का स्पीड देगा आपको, और हाई में आप डालोगे तो मैक्सिमम 55-57 का स्पीड देगा, जो स्कूटी के हिसाब से काफ़ी इनफ लगता है इसमें, और कहीं कोई परेशानी होती नहीं। बाकी ये जो ये है हॉर्न का स्विच है, ये थोड़ा दूर लगता है जो कभी कभी इरिटेट करता है लोगों को। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, यूएसबी पोर्ट दिया गया है यहाँ पे, जिसको आप लाइटें भी दी गई है, आपको रात को कोई परेशानी नहीं होगी मोबाइल वगैरह को चार्ज करने में। काफ़ी डीप यहाँ पे ह्यूज जगह दिया गया है जहाँ पे आप कोई भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक हैंगर दिया गया है जिसमें आप झोले वगैरह लटका सकते हो, और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं चार्जिंग का सिस्टम कहाँ पे। यहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम आपको यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आप निकालते हैं यहाँ पे, और ये है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको चार्जिंग में फिट करते हैं। चार्जिंग का सिस्टम आपको बाहर ही है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ अंदर सीट के अंदर बैटरीज कहाँ पे है, कहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, और सीट के अंदर कितनी जगह है, और चार्जर मैंने रखा कहाँ है। अगर घर पे रखूंगा तो काम का नहीं होगा, तो कहाँ रखा हूँ मैं इसको, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो नॉर्मल चार्जर में, नॉर्मल सॉकेट में आप इसको डाल के चार्ज करके आप कितनी भी दूरी तय कर सकते हो। वैसे कंपनी ने इसका बताया है 120 किलोमीटर, देखता हूँ ये कितना चलता है। इसका मैं ऑनरशिप रिव्यू दूंगा मैं बाद में। आप चलते हैं, इसकी बैटरीज कहाँ पे वो दिखाता हूँ मैं आपको, और इसके डिक्की के अंदर कितनी जगह है, और चार्जर कहाँ पे इंस्टॉल होगा, चार्जर कहाँ पे रखा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको इसको खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ से चाबी आपको ऑफ करना होगा और इसको वापस क्लॉकवाइज घुमाना होगा। यहाँ से सीट खुल जाती है ठीक नॉर्मल स्कूटी की तरह, आप यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि सीट खुलते ही आपको लाइट दे दी गई है कंपनी की तरफ से, और लाइट ऐसी कि काफ़ी शानदार लाइटें मिलती है इससे आपको। उसके बाद यहाँ आपको एक डब्बा मिलेगा जो इसमें मैंने चार्जर रख रखा है, इसमें जो मुझे कहीं भी ज़रूरत होती है तो मैं कहीं भी इसको सॉकेट में यूज़ करके इसको चार्ज कर सकता हूँ। इससे आगे मैं दिखाता हूँ आपको, इसको साइड करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत बहुत जगह मिल जाएगी, आपको यहाँ पे एक फर्स्ट एड का ये टूल किट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे कुछ ये भी दिए हैं रिंग्स वगैरह, इसकी ज़रूरत लगती नहीं है कहीं भी, लेकिन दे दिया है, चलिए अच्छी बात है ये। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि बैटरी कहाँ पर है, पहले रोकता ना हो भाई। अब ये यहाँ पे एक कवर दे रखा है, यहाँ पे कवर एक्चुअली बैटरी की सेफ्टी के लिए है, आप यहाँ को बैटरी से आप यहाँ से आप बैटरी को रिमूव भी कर सकते हैं, इंटरनली चार्ज भी कर सकते हैं। इंटरनली चार्ज करने का सॉकेट मैंने दिखाया आपको यहाँ से, और ये एक सिंगल यहाँ पे पिन लगा होता है जिसको आप रिमूव करके आप ले जा सकते हैं, घर पे भी ले जा सकते हैं ऊपर वगैरह। यहाँ से आप नट खोल दें और यहाँ से पकड़ने का एक सिस्टम दे रखा है, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, मतलब बड़ा इजी टू कैरी है, और इसको निकालना डालना बहुत आसान है, और काफ़ी बढ़िया मुझे फिट एंड फिनिश लगा, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। मेरे को हो गए इसमें 15 दिन हो गए, लेकिन काफ़ी कहीं से कोई आवाज़ मुझे दिखी नहीं। बैटरी का रेंज कंपनी की तरफ से कहा गया 120 किलोमीटर तक। यहाँ पे अब तो हो गया सब कुछ फिट एंड फाइन हो गया, काफ़ी जगह है, मुझे चार्जर को रखने में भी दिक्कत नहीं है, और भी सारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो भी रखने में दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ दी गई, यहाँ पे एक एमसी दिया गया है, यहाँ पे ये एमसी को यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो गाड़ी को कहीं से चोरी होने की संभावना कम हो जाती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी को कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं मिलेगा, और जब भी आप इसको लॉक करके आप आराम से आप कहीं भी जा सकते हो, आपको बहुत कम खतरा रहेगा गाड़ी चोरी होने का। उसके बाद अगर आप जैसे ही आते हो इसको खोलो, ऑन कर दो, आपकी गाड़ी चालू हो गई और आप ड्राइव करने के लिए रेडी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ ऑन करना है, स्टार्ट करना है, और गाड़ी आपकी रेडी हो गई, देखिए रेडी हो गई। गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 55 तक जाती है, जो आपको यहाँ एक नंबर दो नंबर गियर में हाई पे रखने पे आपको 55 का स्पीड देगा, ये टॉप
और इसको आप जैसे ही लो पे रखोगे तो 30 से ऊपर ये जाएगा नहीं। जब 30 पे जाएगा तो इसका रेंज बढ़ जाएगा, 120 प्लस भी हो जाएगा। बट जैसे ही आप इसको हाई पे रखते हो, दो नंबर गियर पे रखते हो और टॉप स्पीड लेते हो, तो आपका रेंज घटना शुरू हो जाता है। और आप देखते चलो कि कैसे ये घटेगा, क्या होगा, इस हिसाब से आप कंपेयर करके आप इसे 120 किलोमीटर जो कंपनी बताती है और वो देता है, ये मैंने इसको चेक करके देखा है। और बाकी आप लोग इसको लेके कहीं कोई पछताइएगा नहीं, क्योंकि दाम का बहुत ज़्यादा नहीं है, 91,000 है। हमारे सीतामढ़ी में आर्या मोटर्स में आप कभी भी ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया गया है। अगर किसी को कोई क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।